तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम कराने जा रहे हैं ये 4-वे टोर्नेडो टैग, और आज जो भी टीम जीतेगी उसको मिलेगा अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप के लिए मैच। तो आज है सभी के लिए मौका कि जीत सको और हरा सको कोडी और शिंगो को फॉर दी अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप मैच। तो देखते हैं पहले कौन जीतने वाला है ये टैग मैच। इस मैच को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो ये मैच इधर फिलहाल के लिए चालू होता हुआ, और आज मैं बता दूं कि ये मैच होने वाला है टफ, क्योंकि सभी के पास एक एक फिनिशर है और किसी के पास भी रेजिलेंस नहीं है। तो कैसे जीतेंगे ये तो इनके ऊपर है। और आज अगर मैं बता दूं कि जीते तो चैंपियनशिप का मैच भी मिलने वाला है। तो आज निर्णायक टैग टीम मैच है, ज़रूरी ज़रूरी टैग टीम मैच है। तो ठीक है, फिलहाल के लिए जे की मदद जे ही कर रहे हैं जीतने के लिए, जिमी की मदद जिमी, सोलो की मदद सोलो, और रोमन की मदद रोमन। और रेफरी को गिरा दिया सोलो, क्या कर रहे हो यार। और रेफरी गिर चुका है तो पिनफॉल पे ध्यान दे नहीं रहा है, जे कर रहे हैं पिनफॉल। ठीक है, और एक समोन ड्रॉप भी आती हुई, समोन ड्रॉप भी लग गई है। अभी तक कोई बाहर नहीं हुआ है, और रेजिलेंस का भी यूज़ आज कोई कर नहीं पाएगा क्योंकि है ही नहीं किसी के पास फिलहाल के लिए। ओ हो, रॉक बॉटम लगा दिया जिमी ने, वन। ओके, वन रेफरी धीमे ही करेगा काउंट, क्योंकि सोलो पता नहीं क्यों रेफरी के ऊपर कूद गया था। फिलहाल के लिए सोलो का दूसरा सोलो नीचे है, और इस सोलो का नाम अलग है, चीफ प्रोटेक्टर फिलहाल के लिए। और ये बूम, और ये फिलहाल के लिए जे को मार दिया है, और ऊपर सोलो को दूसरे जिमी मारते हुए, और अब एक सुप्लेक्स आने वाली है। बूम, आज एक दूसरे के हम शक्ल उनकी मदद कर रहे हैं जीतने के लिए। जीतेगा जो जीतेगा उसको ही फ़ायदा मिलने वाला है। और फिलहाल के लिए ठीक है ठीक है, और मेरे ख्याल से बूम एक और स्ट्राइक पड़ेगी। एक एक फिनिशर दिए थे सबको, कुछ लोगों ने यूज़ नहीं करे अभी तक, जैसे चीफ प्रोटेक्टर जे उसो और चीफ उसो। जल्दी से दो दो फिनिशर लगा देना चाहिए था, वैसे रोमन ने भी नहीं लगाया है लेकिन लगा देना चाहिए था, इतना इंतज़ार किस बात का। फिलहाल के लिए गसप का ये मूव करते हुए, और ये बूमो हो क्या मारा है चीफ सर्वेंट यानी कि रोमन रेंस ने, क्या मारा है, मज़ा आ गया। फिलहाल के लिए बूम एक और समोन ड्रॉप पड़ेगी, और मेरे ख्याल से जल्दी से समोन स्पाइक भी मार देनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये मूव रिवर्सल हो गया। चलो ठीक है, और अब नीचे भी लड़ाई चालू हो चुकी है, सारे प्लेयर नीचे उतर चुके हैं, सोलो ऊपर ही लड़ते जे के साथ, लेकिन नहीं, और रोमन ऊपर भेज रहे हैं, लेकिन रोमन से ऊपर भेजेंगे और सोलो को मारेंगे क्योंकि उनको जीतना है और अनडिस्प्यूटेड का मैच चाहिए, मैं समझ रहा हूँ। और मैं ये भी बता दूँ कि हाँ, जो भी टीम जीतेगी उसके दोनों प्लेयर्स को मौका मिलेगा, तो ये मत समझना किसी एक को मैं लेने वाला हूँ, दोनों प्लेयर्स को मौका मिलेगा। तो यानी कि अगर दो सोलो जीत गई टीम, दो सोलो वाली, तो दोनों सोलो को मौका मिलेगा। बूम, फिलहाल के लिए फिर से पटक दिया है उठा के, और ऊपर से जंप लगाते हुए जे गजब का सोलो को ही मारते हुए। ठीक है, ऊपर से जंप लगा के सोलो को ही मारा है, और जे की टीम मैंने कहना पड़ेगा सही लड़ रही है, जिमी की टीम भी सही लड़ रही है, क्योंकि जे हर बार पहले बाहर हो जाते हैं। तो आज यही देखना है कैसे बचाएंगे अपने आप को, फिनिशर्स आ चुके हैं सभी के पास लेकिन कोई लगा नहीं रहा है, ये क्यों नहीं लगा रहे हो, लगा दो ना। फिलहाल के लिए फिर से आगे सोलो नीचे, जे पे ही हमला करेंगे। ठीक है, वो पैर भी डैमेज कर ही दिया है, पैर भी डैमेज करते चले जा रहे हैं, और ओके, रोमन रेंस और जे की लड़ाई ना हो तब तक मज़ा कैसे आएगा। सभी लोग नीचे एक दूसरे को मारने में जुट गए हैं, सोलो भी आ गए हम मारने के लिए। ठीक है, सोलो भी कुछ ज़्यादा ही मार रहे हैं। ठीक है, और एक बेली टू बेली भी लग गई है। ठीक, बेली टू बेली के बाद ऊपर ले जाओ किसी को, जिमी ऊपर गए, और सोलो को भी ऊपर चले जाना चाहिए जिमी को मारने के लिए, ऊपर 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 नहीं गए, ऊपर जाना चाहिए था जिमी को मारने के लिए, चले जाना चाहिए था सोलो को ऊपर, लेकिन सोलो ऊपर ही नहीं गए। कोई नहीं, टेबल निकाल लिए जिमी ने टेबल निकाल लिया, चलो ठीक है, लेकिन जे ने कहा रुक जा कहाँ जा रहा है भाई, और बूम, ओके, ये भी मूव रिवर्सल कर दिया। जिमी और जे की भी फाइट होने लगी, अब सब लोग एक दूसरे पे लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। फिलहाल के लिए जल्दी से, मैं तो कह रहा हूँ जल्दी से फिनिशर लगाओ, तो कोई ना कोई बाहर पक्की बात हो जाएगा। और ठीक है,
और ऊपर फेंकना चाहिए, जल्दी से जिमी को ऊपर फेंकना चाहिए, लेकिन ऊपर नहीं फेंक रहे। और ओके मोमो मोरो, ये तो रोमन को कितना मारते हुए सुपर किक आती थी, लेकिन नहीं, सुपर किक की जगह ड्रॉप किक लग गई। जल्दी से ऊपर के रोमन अब सोलो पे कूद गए। सोलो की किस्मत बड़ी ख़राब है चल रही है इस समय। फिलहाल के लिए ऊपर आ गए दो प्लेयर, जिमी और सोलो ऊपर आ चुके हैं। तो जल्दी से एक सुपर किक या फिर ऊसो स्लैश ही लगा डालो, कुछ भी लगा दो चलेगा। ऊसो स्लैश के लिए मेरे ख्याल से जा रहे हैं, सोलो की हालत ख़राब ही है। सोलो को सोलो बचाने भी आ रहे थे, लेकिन चीफ प्रोटेक्टर हमारे सोलो बाहर हो जाएंगे और एक बोमियोरो नागी आएगी। जिमी बाहर नहीं हुए इसके बाद, ठीक है। 1-2 और केक आउट भी कर दिया है, क्योंकि रेजिलेंस नहीं है तो रेजिलेंस यूज़ कर नहीं सकते। बिना रेजिलेंस का केक आउट, एक और यूरो नागी रोमन की तरफ से आती हुई, यूरो नागी पे यूरो नागी लगती हुई, एक समोन स्पाइक देने जा रहे थे लेकिन वो भी नहीं कनेक्ट हुआ। कोई नहीं, सोलो बाहर हो चुके हैं इस मैच से। और बूमो के जे को फेस फर्स्ट करते हुए, ठीक है, जे भी अब ऊपर आ गए, फिर जे वापस से नीचे आ गए। लेकिन 1-2 क्या सोलो बाहर नहीं होंगे अभी? सोलो ने भी किक आउट मार दिया है जैसे तैसे करके। जल्दी से एक स्पियर लगानी चाहिए मैं कह रहा हूँ। ओके कोई मूव तो लगाने जा रहे हैं, क्या मूव थीफ लगाने जा रहे हैं? जी वो के मूव थीफ तो नहीं, लेकिन दोनों सोलो का गर्दा उड़ जाएगा और बाहर हो जाएंगे दोनों की दोनों। सोलो नहीं झेल पाए अपर कट रोमन का, और अपर कट के चलते बाहर कर दिए गए। कोई नहीं कोई नहीं, अभी के लिए दोनों जिमी दोनों जे बचे हुए हैं, दोनों रोमन बचे हुए हैं फिलहाल के लिए। बूम, और बैरिकेड पे ही पटक दिया रोमन को, और ओके खून भी निकाल दिया जिमी का। जे ऐसा मत कर यार, खून भी निकाल दिया है जिमी का इस समय। तो कौन बाहर होने वाला है अगला प्लेयर, देखने में और भी मज़ा आएगा। फिलहाल के लिए दोनों जे पिट रहे हैं, ठीक है। और जिमी को एक बूम के बैरिकेड पे ही फेंके चल जा रहे। रोमन बहुत चतुराई से लड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इतनी देर से। उनको पता है कि ऊपर जाऊँगा रिंग में तो बाहर हो सकता हूँ, इसलिए नीचे ही लड़ रहे हैं। ऊपर एक बार भी अपने कदम भी नहीं रखे। जब मैच चालू हुआ था उसके बाद सभी लोग नीचे आए थे, सबसे रोमन नीचे ही हैं, सिर्फ चीफ सर्वेंट ऊपर गए थे मारने के लिए। फिलहाल के लिए बूम, हमारे ट्राइबल चीफ बहुत ज़्यादा अकल से खेलते हुए माइंड गेम। फिलहाल के लिए एक और समोन ड्रॉप, ना रिवर्सल कर दिया जिमी ने, जिमी भी रिवर्सल करना जानते ही हैं। फिलहाल के लिए मैं बता दूँ कि ऊपर जाना ज़रूरी है, एक स्पाइन बस्टर भी आती हुई। अब रोमन ऊपर जाना, हाँ ऊपर जा, अरे ये मैं लेने जाओ, ठीक है। स्टील स्टेस भी उठा लिए, लेकिन उठाने नहीं दी, जे ने पैर पे डाइव मारी है सीधा। और ये चीफ सर्वेंट भी आते हुए रोमन को बचाने के लिए, जो कि दूसरे रोमन ही हैं। और जे ऊपर गए, मैं तो कह रहा हूँ ऊपर जाओ, के बीच में आने की क्या ज़रूरत थी। और ये रोमन भी ऊपर आ गए फाइनली। रोमन स्पीयर लगाना था ना मेरे ख्याल से, अब सभी लोग ऊपर आने वाले हैं। फिर रॉक बॉटम रिवर्स कर दिया जे ने, और बूम एक DDT भी आती हुई, बूम एक और शॉट भी पड़ेगा जिमी को, ठीक है। जे और रोमन की भी फाइट चल रही है, जे क्या स्पियर लगाएंगे? ना स्पियर लगाते हैं क्योंकि वो चीफ ऊसो है। चीफ ऊसो ने स्पियर लगाई, रोमन हो जाएंगे बाहर, रोमन का हुआ टाटा। कोई नहीं, जिमी ने कर दी केक आउट, और चीफ सर्वेंट अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन ठीक है रोमन का टाटा कर दिया है। सभी की बॉडी लगभग लगभग लाल है, और कुछ की बॉडी अभी अभी लाल होना चालू हो रही है, लेकिन चीफ ऊसो की बॉडी येलो ही हुई है बस। कोई नहीं, फिलहाल के लिए फिर से सब एक बार नीचे आ गए। चीफ सर्वेंट ऊपर गए, नीचे आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए फिनिशर लगाने जा रहे थे, लेकिन रिवर्स, और एक और स्पाइन बस्टर, और चीफ सर्वेंट भी बाहर हो जाएंगे क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा पिट गए थे। तो अब दो जिमी और दो जे बचे हैं, ठीक है। कौन जीतेगा, जिमी या फिर जे? जे मार, एक जिमी जे को मार रहे हैं, और मेरे ख्याल से दोनों ही जिमी जे को मार रहे हैं, तो जे की हालत ख़राब होने ही वाली है। ओके मेरे ख्याल से ऊपर जाओ, ऊपर एक एक जिमी ऊपर जाके देखो ना, एक जिमी को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। एक जिमी ऊपर आ भी रहे हैं जैसा कि मैंने कहा था, एक जिमी ऊपर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी लड़ाई कर सकते हो। और ये क्या ओके उठा के पटक दिया है जिमी ने। फिलहाल के लिए एक जिमी जे को मार रहे हैं, एक जे जिमी को मार रहे हैं,
ओके ठीक है, कौन किसको बाहर करेगा यही तो देखना है। और अगर एक जिमी बाहर भी हो जाते हैं तो दूसरे जिमी बचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए बूम एक बार और उठा के पटक दिया रिंग वाले जिमी, जल्दी से उसको स्प्लैश लगाए तो फायदा हो। फिलहाल के लिए क्या करने जा रहे हैं, ओके क्या करने वाले हैं अब, जे का क्या प्लान चल रहा है दिमाग में जे के खुद भी नहीं पता। एक और स्पाइन बस्टर आएगी, उठा उठा के जिमी पटके चले जा रहे हैं मेरे ख्याल से, पैर भी डैमेज करेंगे। अब तीन स्टेप उठा लिए नीचे वाले जिमी ने, उसको स्प्लैश आने वाली है और जे उसको स्प्लैश लगाएंगे और चीफ नाइट का हो जाएगा टाटा। उसको स्प्लैश कनेक्ट, चीफ नाइट का टाटा, दो दो जे बचे हुए हैं। अब एक अकेले जिमी क्या करोगे, जे को मौका मिलने वाला है मेरे ख्याल से। एक सुपर किक भी आ गई अब तो, ओके जिमी को पीट दिया है बुरी तरीके से, दोनों जे ने गर्दा उड़ाई दिया है। लेकिन अगर जिमी थोड़ी मेहनत करे तो दोनों में से कोई एक जे तो बाहर हो ही सकता है, क्योंकि बहुत पिट चुके हैं। ठीक है, मारते हुए स्टंट भी कर दिया, अरे रे। तो मेरे ख्याल से अब अनडिस्प्यूटेड का मौका भी जिमी उसो और चीफ उसो को मिलेगा फिलहाल के लिए। ठीक है, DDT भी आ गई है, नॉर्मल मूव से भी जिमी बाहर हो जाएंगे। जे उसो ने कसब का खेला है, जे उसो मेरे ख्याल से ऊपर भी चले गए। जिमी को भी ऊपर भेज ही दो, बाहर करना चाहते हो तो जिमी को भी ऊपर भेज दो, वैसे नीचे भी बाहर हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी भेज दो। मोमो के एक बार और पड़ी, टेबल खाली कर दी है जे, जिमी को टेबल पे क्यों फेंकना चाह रहे हो, जिमी तो तुम्हारे साथ ही है, रोमन होता तो एक बार समझ भी आ रहा है, लेकिन जिमी को क्यों टेबल पे मत फेंकना जिमी को। ठीक है, अब तो ये जे ही जाने वो क्या करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए दोनों जे पूरी अच्छी तरीके से पीटने वाले हैं जिमी को, जिमी की हालत भी ख़राब कर दी है। ठीक है, जिमी उसो को अब एक और स्टील स्टेप का शॉट, नहीं बच गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैच में बस यही बचे हैं तो इनको लड़ना तो पड़ेगा। और बूम एक बार और नॉर्मल मूव से, जैसा कि मैंने कहा था टीम जे उसो जीत गई है। तो अब अनडिस्प्यूटेड मैच देखने के लिए तैयार हो जाओ, जो कि जे की टीम ने, दोनों जे ने खुद ही से कमाया है। तो कोडी और शिंगो तैयार हो जाओ, आ रहे हैं तुम्हारे नंबर वन कंटेंडर तुमसे लड़ने, तो चलो वहाँ पे चलते हैं जल्दी से। तो हमारे दोनों नंबर वन कंटेंडर बिल्कुल तैयार हैं, जे और जे, जिनका एक जे का नाम चीफ उसो है। फिलहाल के लिए अब दोनों सेम टीम में नहीं लड़ेंगे, और शिंगो और कटाना रोड्स के पास है चैम्पियनशिप। तो देखते हैं कि आज कौन अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन बनने वाला है। तो इस मैच को जल्दी से शुरू करते हैं, लेट्स गो। और ये अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप के लिए मैच चालू होता हुआ, सबने बेल बजने की इतनी देर बाद रिएक्ट क्यों किया, 1 2। और फिलहाल के लिए बच, रेफरी गिर गए, अरे रे रेफरी कैसे गिर गए, कोई नहीं रेफरी गिर गए थे लेकिन पता नहीं चला कैसे गिर गए, कोई नहीं। फिलहाल के लिए कटाना बच चुके हैं, और एक ही एक फिनिशर मैंने सभी को दिया है, लेकिन किसी का भी एलिमिनेशन हो सकता है, KO हो सकता है। फिलहाल के लिए रेजिलेंस का यूज इस बार कर सकते हैं, केंडो स्टिक से पीटे जा रहे शिंगो अभी भी कसब का खेलते हुए, क्योंकि बहुत पीट रहे हैं जे को। ओके, फिलहाल के लिए गजब का खेल रहे हैं शिंगो बहुत ज़्यादा। फिलहाल के लिए शिंगो को पीटना है तो जल्दी से कुछ करना पड़ेगा चीफ उसो को, चीफ उसो ऐसे ही पीटते रहे तो बाहर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए एक स्पियर, ओके ठीक है, चीफ उसो ने स्पियर लगा दिए, 1। ओके, रेफरी क्या कर रहा है, अच्छा रेफरी टैप आउट को देख रहा होगा, ठीक है अब पिनफॉल करेगा रेफरी, 1 2। और शिंगो ने कर दी किक आउट, ठीक है शिंगो ने किक आउट भी कर दिए, शिंगो बच गए अभी के लिए। और अब चीफ उसो और जे, जिनकी पहली टीम थी और टीम में ही चलते नंबर वन कंटेंडर बने थे, अब एक दूसरे को पीटेंगे। फिलहाल के लिए शिंगो पता नहीं क्यों स्टाइल मार रहे थे नीचे, कटाना ने मार दिया, 1। और 1 में ही किक आउट आता हुआ, किक आउट कर दिया जे ने हमारे, जे उसो ने। फिलहाल के लिए अब एक बार और केंडो स्टिक का इस्तेमाल, नहीं केंडो स्टिक चली गई नीचे, रिंग के नीचे चली गई है। फिलहाल के लिए अब और पीटे जाने वाले हैं, और चीफ उसो कुछ ज़्यादा नहीं पिट रहे, ठीक है
एक बार और पीटे गए, अब एक बार और जे उसो भी पीटे जा रहे हैं, और अब एक सुप्लेक्स आएगी और स्टंड हो जाएंगे जे उसो। और उधर एप्रन पे ही मार दिया है कोडी रोड्स, कितना बढ़िया मार रहे हैं कोडी रोड्स। शिंगो को ऐसे ही मारेंगे तो शिंगो बाहर हो जाएंगे फिलहाल के लिए। और अब हेड भी डैमेज होता हुआ, हेड डैमेज हो गया है फिलहाल के लिए। शिंगो ने अपना फिनिशर अभी तक यूज़ नहीं किया है, जो कि कर देना चाहिए। शिंगो फिनिशर यूज़ कर दे मेरे भाई, किसका इंतज़ार कर रहे हो। शिंगो अपना फिनिशर यूज़ नहीं कर रहे भाई फिलहाल के लिए। शिंगो को पटकने वाले कॉर्नर पे, कॉर्नर पे भी पटक दिया है, और एक ड्रॉप किक आती हुई। कोडी रोड का ध्यान नहीं था, कोडी का ध्यान नहीं था तो ये गलत बात है, कोडी ध्यान रखना चाहिए था फिलहाल के लिए। अब एक स्पियर या फिर उसो स्प्लैश, ना ना कोडी नहीं, डीडीटी मार दिए चीफ उसो को। और जे उसो ऊपर लड़ रहे हैं जे उसो के, ठीक है ओके। क्रॉस रोड्स लगा दिया कोडी को जे उसो ने, ओ सॉरी चीफ उसो ने मूव स्वीप का यूज़ कर दिया। और अब शिंगो अपना फिनिशर लगाएंगे चीफ उसो को, जे उसो रोल आउट कर गए। चीफ उसो बाहर हो सकते हैं, लेकिन नहीं अभी बाहर नहीं हुए। चीफ उसो का पिनफॉल तो हो ही सकता है, 1, 2 और 3 भी नहीं होगा, ठीक है किक आउट आ गई है। कौन जीतेगा ये मैच फिलहाल के लिए, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना है तो मैच जीतना ज़रूरी है। और एक क्लोज लाइन मिस कर गए कोडी को, मूव थीफ का यूज़ चीफ उसो ने लगाया था, और ऊपर से जंप लगा दिए चीफ उसो ने शिंगो की हालत ख़राब करते हुए। और उधर कोडी बैरिकेड पे मार पीटे जा रहे, बैरिकेड पे ही मारे जा रहे, वी द वंस कर दिया जे उसो ने, ठीक है। और शिंगो भी उधर स्टाइल मारते हुए चीफ उसो को पीट के कोडी ऊपर गए। मेरे ख्याल से जल्दी से जे उसो तुम्हें भी ऊपर चले जाना चाहिए, नीचे मत लड़ो ऐसे, नीचे लड़के क्या करोगे। वैसे नीचे भी ये लोग बाहर हो ही सकते हैं, तो नीचे भी लड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर जाना चाहिए। कोडी ओके, कोडी गलत कूद गए, कोडी क्या कर रहे हो, सुसाइड डाइव मारने से पहले ये तो देखो कि कोई खड़ा भी है या नहीं। गलत कूद गए और अपने आप को खुद ही डैमेज कर दिया है। कोडी रोड्स का ये मूव कनेक्ट नहीं हुआ प्रॉपर, और कोडी रोड्स स्टाइल मारते हुए फिर से एक बार कोडी ध्यान से, कोडी को मैंने बोला था ध्यान से चीफ उसो मारते हुए फिलहाल के लिए ऊपर गए जे, और नहीं ऊपर गए मेरे ख्याल से चीफ उसो ऊपर आ गए। और एक डीडीटी शिंगो जे को लगाएंगे, दोनों जे एक कौन सा है, दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं बार बार। 1, 2 और 1 जे किक आउट करेंगे, अभी भी किक आउट करेंगे, मुझे लगा टाटा हो सकता है। कोडी रोड भी परेशान है, कोडी को पीटना पड़ेगा अगर अपना फिनिशर सिग्नेचर लाना है फिलहाल के लिए। टेक डाउन देंगे और स्टंड हो जाएंगे दूसरे जे, नीचे दूसरे जे स्टंड हो गए। दोनों जे नंबर वन कंटेंडर अपनी ही मेहनत से बने थे फिलहाल के लिए। शिंगो अब मारेंगे, शिंगो कोडी को भी मारो, नहीं 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 ऊपर रोल आउट कर गए। शिंगो जल्दी से मेरे ख्याल से नीचे तो मत ही आना, वी द वन से एक बार फिर से शिंगो जल्दी से आओ ना, नीचे आ जाओ, या तो फिर जे मैं तो कह रहा हूँ तुम ऊपर चले जाओ। कोडी रोड्स उधर जे को मारते हुए शिंगो, अरे पीछे ध्यान दो ना, पीछे ध्यान देना चाहिए था, क्या कर रहे हो। जे का ध्यान नहीं था फिलहाल के लिए, कोडी भी जे को मार रहे हैं, लेकिन दूसरे जे शिंगो को मार रहे हैं। और एक बार और वी द वन, आज रोमन की कितनी याद आ रही है जे को, और डीडीटी पड़ेगी, और दूसरे भी चालू हो गए वी द वंस करने। अरे आज रोमन की दोनों जे को इतनी याद क्यों आ रही है, जीतना है क्या है मैच फिलहाल के लिए, जीतना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जे जब नंबर वन कंटेंडर बन सकते हैं तो मैच क्यों नहीं जीत सकते फिलहाल के लिए। एक बार और बैरिकेड पे कोडी को मारते हुए कोडी की हालत ख़राब कर दी है मार मार के। फिलहाल के लिए शिंगो को क्लोज लाइन पड़ेगी, और स्टील स्टेप का शॉट किसी को नहीं पड़ने वाला। दोनों जे डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं फिलहाल के लिए। एक ड्रॉप किक भी पड़ गई है, ड्रॉप किक के बाद भी ओके, अब दोनों जे एक दूसरे को पीटने वाले हैं। नहीं 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 फेंक दिया बस उधर उठा के, मेरे ख्याल से ये तो नहीं सोच रहे कि दोनों जे आपस में बाद में देख लेंगे, पहले इन लोग को बाहर करो, ठीक है। कोडी को भी उधर ही फेंक दिया कि ले जे कोडी को मार, मैं शिंगो को देखता हूँ। फिलहाल के स्टील स्टेप पड़ने वाली है, स्टील स्टेप का ये शॉट भी नहीं पड़ा, जे ने पीट दिया और शिंगो को अब स्टील स्टेप। ये जे स्टील स्टेप लेके इधर उधर घूमी क्यों रहे हैं, स्टील स्टेप फेंक दो, और स्टील स्टेप देंगे। नहीं नहीं अभी कोडी ने रिवर्सल कर दिया, शिंगो रिंग का चक्कर काटते हुए, इतना बड़ा लंबा चक्कर क्यों काटा। फिलहाल के लिए एक क्लोज शोल्डर टैकल आता हुआ, ठीक है ऊपर जाना चाहिए रिंग के, मैं तो कह रहा हूँ फिलहाल के लिए। क्लोज लाइन भी आ गई, कोई नहीं, और एक बार और क्लोज लाइन, ठीक है। और
बूम, एक बार बैरिकेड पे फिर से और बूम। अब सभी की बॉडी लगभग लगभग लाल हो ही गई है। कोडी रोड की बॉडी ऑरेंज है, जे उसो की बॉडी ऑरेंज है। फिलहाल के लिए दोनों शिंगो और चीफ उसो की लाल हो चुकी है बॉडी, कभी भी बाहर हो जाएंगे। और अब कोडी अपना पावर बॉम्ब लगाने वाले हैं क्या? नहीं, बैरिकेड पे पावर बॉम्ब देंगे। अरे रे, ओके, बैरिकेड के पावर बॉम्ब भी दे दिया है। और अब कोडी और शिंगो की फाइट, ना ना ना, सबके फिनिशर भर गए, लगभग लगभग सभी के फिनिशर भर गए, तो फिनिशर लगाना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। और ऊपर चले जाना चाहिए, शिंगो और जे उसो ऊपर आ गए, कोडी को भी मेरे ख्याल से ऊपर आना चाहिए, और अब दूसरे जे को भी ऊपर आ ही जाना चाहिए। सब ऊपर आ जाओ। क्रॉस रोड रिवर्स कर दी, जे उसो आज कह रहे हैं कि मेन इवेंट कैसे खेली जाती है मैं दिखाता हूँ, और रनिंग पे चले गए, लेकिन ये रनिंग टूट जाती है, अब ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। शिंगो अपना फिनिशर लगाएंगे और कोडी रोड से बाहर हो जाएंगे। अरे रे, हाँ, वैसे मुझे पता ही था एक एक फिनिशर के बचे हैं ये लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं ये लोग। शिंगो ने फिनिशर लगाया, कोडी रोड बाहर हो गए, ओ चीफ उसो भी बाहर हो गए, शिंगो और छः बचे हैं, शिंगो और छः बचे हैं। फिलहाल के लिए फेस पर खून निकल आया है, और मेरे ख्याल से अब ये कह सकता हूँ क्या मैं कि शिंगो ये मैच जीतने वाले। और ऊपर से ये अगर मुँह कनेक्ट होगा तो शायद टाटा हो जाए, टाटा नहीं हुआ है, बच गए जे, बच गए जे, बच चुके हैं अभी के लिए। स्टंट कर देना चाहिए, ओके, फिनिशर का यूज़ करने जा रहे हैं शिंगो का, ये फिनिशर कनेक्ट होगा मेरे ख्याल से, रिवर्स नहीं हुआ है, शिंगो ये मैच जीतने वाले हैं। और ये भी परफेक्टली लैंडेड, शिंगो बन चुके हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। गर्दा उड़ा दिया सारे प्लेयर्स को बाहर करके शिंगो ने। फिलहाल के लिए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके हैं शिंगो। अगर ये वीडियो फिलहाल इधर ख़त्म होती है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना। तब तक के लिए मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।